देखो, एंड ऑफ अनलिमिटेड 5G इंटरनेट का समय आ गया है। जैसा कि हमने दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों में देखा है, न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा है कि 2024 के सेकेंड हाफ में अनलिमिटेड 5G बंद कर दिया जाएगा और जियो ने यहां पर सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है। बीते 18 जून 2024 को जियो की टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज बंद हो जाती हैं। जियो के नेटवर्क में बहुत ज़्यादा आउटेज आ जाती है। स्पेशली मैं दिल्ली NCR के एरिया में रहता हूँ और यहाँ पर 18 को जियो की पूरी सर्विसेज बंद हो गई थी। जियो फाइबर, जियो एयर फाइबर, जियो TV और जियो के मोबाइल इंटरनेट, 5G इंटरनेट, जितनी भी जियो की सर्विसेज हैं सब बंद हो गई थी। और ये टोटली मुझे लगता है लगभग पूरा दिन अनलिमिटेड पूरा दिन बंद थी ये सर्विसेज। लेकिन यहाँ पर बात सोचने वाली ये है कि इसके साथ साथ जो है कि यहाँ पर ट्विटर बंद हो गए थे, यूट्यूब बंद हो गया था, गूगल बंद हो गया था, और ये सब जो हैं बंद हुए हैं ये एक DNS के कारण। लेकिन यहाँ पर लोग क्या बता रहे हैं सीधा कि जियो की सर्विस के कारण ये सारे ऐप बंद हो गए हैं। देखिए, जियो अगर इंटरनेट बंद करता है तो वहाँ पर आपकी कुछ जो है नंबर्स ऑफ वेबसाइट या फिर उनके जो सर्वर्स हैं या फिर बहुत सारे ऐप्स हैं वो नहीं चलेंगे। लेकिन ये जो हाई पब्लिसिटी वाले ऐप्स हैं, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये सारी चीज़ें चलते हैं गूगल पेयरिंग से, जो DNS यानी गूगल के DNS के जरिए चलते हैं। गूगल की आप जितनी भी सर्विसेज यूज करते हो वो सारे गूगल के DNS के जरिए चलते हैं। अगर आपका इंटरनेट जो बैंडविड्थ होती है आपकी वो बंद भी हो जाती है तब भी आप YouTube, गूगल और इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हो, आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल रोल जियो का नहीं है जो कि उनकी आउटेज हुई थी, यहाँ पर रोल है गूगल का भी, क्योंकि उनका DNS सर्वर भी डाउन हुआ था। बट ये चीज़ें आपको मोबाइल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगी। ये स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको पता चलती हैं जब आप कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हो, उसमें आपको ये चीज़ें पता चलती हैं कि आपकी गूगल की पेयरिंग डाउन है या फिर आपका इंटरनेट डाउन है। अगर दोनों एक साथ डाउन होते हैं तब सब कुछ ठप हो जाता है। डाउन डिटेक्टर स्पीड टेस्ट ओखला की एक वेबसाइट है या फिर इनके इस स्पीड टेस्ट के ऐप में भी ये मिल जाता है, और जहां पर यूजर्स रिपोर्ट करते हैं अभी कौन सी सर्विस डाउन है उनके इंटरनेट के अंदर, और ये वहां पर शो कर देता है कि कौन कौन सी सर्विसेज डाउन है। तो यहाँ पर डाउन डिटेक्टर के हिसाब से 18 जून को 56% लोगों ने रिपोर्ट किया था मोबाइल इंटरनेट को लेकर, और 29% लोगों ने रिपोर्ट किया था जियो फाइबर को लेकर, और 15% लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है नो सिग्नल की प्रॉब्लम को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर अभी कोई ऐसा आप पॉइंट नहीं रख सकते हो कि अनलिमिटेड 5G को बंद कर दिया जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है, अनलिमिटेड 5G वैसे भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका डेटा ख़त्म होता है 5G तो वहाँ पर शो करता रहता है, लेकिन आपके मोबाइल में स्पेशली 4G इंटरनेट ही चलता है। क्योंकि अगर आप के पास मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा स्पीड आती होगी तो 500-600 Mbps 5G के साथ आती है, बट अगर आपने स्पीड टेस्ट करने के लिए एक बार उससे स्पीड टेस्ट कर लिया तो आपका लगभग 0.5 GB डेटा एक बार के स्पीड टेस्ट में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो अनलिमिटेड 5G का रोल है वो अभी कुछ ऐसा आउट नहीं हुआ है कि ये सेकेंड हाफ में बंद हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इसका अंदाज़ा जो पहले लगाया जा रहा था कि वो 2024 के सेकेंड हाफ में इनको बंद कर दिया जाएगा, और 5G का जो रेगुलेशन आया था वो आया था 2022 में। बीते 2 सालों में उतना इम्पैक्ट 5G का मुझे नहीं लगा है जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो चीज़ें 5G में हमें मिलनी चाहिए थी, 1 Gbps तक की स्पीड मिलनी चाहिए थी, और हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, चाहे हम एक बेसमेंट में बैठे हों चाहे हम एक पहाड़ पे खड़े हों, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर आज भी आप एक आउट एरिया में बैठे हैं तो वहां पर आपको 4G इंटरनेट की ही स्पीड मिलेगी। 5G अगर पकड़ भी लेता है तो वो जितना 4G में इंटरनेट की स्पीड देने वाला है उतना ही 5G में देता है। तो 5G के आने से इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सिंपल सी बात है, जब तक आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं होगा, आपके डेटा पैक में इंटरनेट नहीं बचा होगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा बहुत कम ही मिलेगा। तो यहाँ पर हाँ, जियो के नेटवर्क में बीते एक हफ्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ यूजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जियो का अनलिमिटेड 5G बंद होने वाला है, क्योंकि अभी इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं है। और देखो, एक बात तो यहाँ पर तय है कि अगर 5G का अनलिमिटेड जो इंटरनेट अभी मिल रहा है लोगों को उसको बंद कर दिया जाएगा तो 4G के जो पैक हैं उनको महंगा भी कर दिया जाएगा। जो अभी करेंटली
पैक चल रहे हैं उनसे 5-10% इनकी प्राइसिंग में इम्प्रूवमेंट जरूर किया जाएगा, क्योंकि 5G इंटरनेट देने के लिए इनको फंड ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये यूजर के ऊपर ही टारगेट करेंगे उनसे पैसा बढ़ाने के लिए। अगर यहाँ पर बात करें एयरटेल की, तो बीते कुछ दिनों में एयरटेल के साथ वैसी तो कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं देखने को मिली है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट करते हैं 5G के इंटरनेट की स्पीड को लेकर उतनी यहाँ पर सफिशियंट कोई भी प्रोवाइडर नहीं आ रहा, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या फिर VI हो, कोई भी नहीं सामने आ रहा है उतनी अच्छी कनेक्टिविटी या फिर स्पीड लेकर। अगर आप यूज कर रहे हैं 5G तो आपने जरूर देखा होगा ये चीज़ें। तो अनलिमिटेड 5G को लेकर आपके मन में जो डाउट था अभी तक कि जुलाई चालू होने वाला है और अनलिमिटेड 5G को बंद कर दिया जाएगा, तो बट अभी यहाँ पर कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि अनलिमिटेड 5G को बंद कर दिया जाएगा। तो अभी तक आप जैसे यूज कर रहे हो वैसे ही यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए।